आज का दोस्तों T10 का जो फर्स्ट मैच है ये आपका खेला जा रहा है दोस्तों TRA और BN टीम के बीच में। देखो दोस्तों TRA की टीम ऑलरेडी टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर चुकी है, अब ये टीम दोस्तों विन करे लॉस करे इनको कोई फर्क उतना नहीं पड़ता है। लेकिन या BN को टीम को दोस्तों फर्क पड़ेगा, अभी ये टीम दोस्तों क्वालिफाई नहीं हुई है, पॉइंट टेबल पे दोस्तों 4 नंबर पे चल रही है, इनको कम से कम 2 मैच और विन करना होगा तब ये भी टीम दोस्तों क्वालिफाई कर सकती है। बात करें ये मैच खेला कब जा रहा है तो 11:30 से स्टार्ट होगा। ग्रैंडली का प्राइस दोस्तों इस मैच में बहुत अच्छा है और ये वीडियो मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहूँगा स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग दोस्तों इस मैच में निकाल के लाओ, तो इसलिए मैंने वीडियो में थोड़ा सा आपको बेस्ट टिप्स दिया है जो आपको बहुत इजीली दोस्तों ग्रैंड लीग टीम बनाने में हेल्प करेगा। मिस नहीं कीजिएगा वीडियो, ज़रूर वॉच कीजिएगा। और यदि आप मेरे डायरेक्ट फाइनल टीम के साथ जाना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैंने वो भी आपके लिए शेयर कर दिया है, जिसको आप सेव कर लीजिएगा। इस मैच के रिगार्डिंग एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है इस मैच में मैं आपके लिए लाइव भी आ जाऊँ यूट्यूब पर, जिसका मैं लिंक आपको लाइव लिंक टेलीग्राम पर दे दूँगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। लिंक इसका इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फाइनल टीम भी स्मॉल लीग का मैं यहीं पे आपके साथ शेयर करूंगा कोई चेंज करना हो तो। और यदि अभी तक आपने दोस्तों यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे मैं लाइव आऊँ ना तो आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप मिस नहीं करोगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग TRA और BN के मैच में क्या कम्बिनेशन लेके चलेंगे। मैच दोस्तों काफ़ी सॉलिड रहने वाला है, मिस आउट नहीं कीजिएगा, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में, जहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा एंटीगो। अब देखो दोस्तों ये जो प्लेयर है ना हमेशा दोस्तों ओपन बैटिंग करता है, अभी तक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस भी देखे तो अच्छा रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम ख़राब रहा है, ठीक ठाक इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। बॉलिंग नहीं करते हैं, समटाइम आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन मेन विकेट कीपर नहीं है, ठीक ना। नाम भले ही विकेट कीपिंग में है बट विकेट कीपिंग उतना नहीं करते, मेन काम इनका बैटिंग से रहेगा, ओपन बैटिंग करते हैं, आपको ज़रूर टीम में लेना चाहिए। परफॉर्मेंस का ही दोस्तों बात करें तो 6 मैच खेले जहाँ पे 36 के एवरेज से आपको फैंटेसी पॉइंट दिए हैं, दैट मीन दोस्तों पर मैच आपको 36 फैंटेसी पॉइंट दे रहे हैं, और वो भी जो भी आपको ये फैंटेसी पॉइंट दे रहे हैं वो दोस्तों बैटिंग से दे रहे हैं। मैं इनको दोस्तों अपने टीम में अभी बैक करके चल रहा हूँ। नीचे आपको एस स्टैंक का ऑप्शन मिलेगा, देखो दोस्तों खिलाड़ी ये भी ख़राब नहीं है, बस थोड़ा सा बैटिंग नीचे करता है, आपको 3 नंबर पे बैटिंग करने आएगा, समटाइम 4 नंबर पे भी आ जाते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें बैटिंग से तो जब भी चांस मिला है ना इनको अच्छा प्ले किया है पूरे टूर्नामेंट में दोस्तों। मैंने जहाँ तक इनका देखा है कि मैच 2 मैच मेरे को इनका काफ़ी अच्छा लगा था जहाँ पर इन्होंने बैटिंग से अच्छा स्कोर किया था, एक तो लास्ट मैच हो गया दोस्तों और एक और मैच बताता हूँ जो ये आपका खेला गया था BJ टीम के अगेंस्ट, यहाँ पर भी इन्होंने बैटिंग से अच्छा किया था परफॉर्मेंस। डैट मीन्स बोले तो 5 मैच खेले हैं, 3 मैच में एकदम फ्लॉप गए हैं और 2 मैच में दोस्तों बैटिंग से बेस्ट परफॉर्मेंस किए हैं। ऐसे प्लेयर को आप ग्रैंड लीग में चाहो ना तो रोटेशन में यूज़ कर सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में, मैं स्मॉल लीग में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि TRA के पास इस मैच में काफ़ी सॉलिड बैटिंग है। TRA के ओपनर दोस्तों टी लोधी रहेंगे और इनके सामने भी शर्मा रहेंगे, दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जो दोस्तों आराम से 5-6 ओवर खेल जाते हैं। और स्टैंक का जैसा मैंने बताया आपको 3 से 4 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रिक्सी हो जा रहा है, बट ग्रैंड लीग में ऐसा कोई भी आप टीम बना रहे हो जिसमें आप TRA के टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं ले रहे हो वहाँ पर आप इनको बैक कर सकते हो। ग्रैंड लीग चॉइस है, स्मॉल लीग चॉइस तो नहीं है। एस शकुर मैं नहीं ट्राई करूंगा, एस किशोर तो आपको लेना भी नहीं है, ठीक ना। मेनली आपको ये विकेट कीपिंग से पॉइंट देते हैं, बैटिंग करने दोस्तों आते नहीं है। ये क्लियर हो गया, अब आते हैं बैटिंग सेक्शन में। आयुसेन स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आप इनको कंसीडर करके चल सकते हो, बैटिंग से मुझे इनसे उतना उम्मीद नहीं है, मेन काम दोस्तों इनका बॉलिंग रहता है, बॉलिंग अच्छा की है टूर्नामेंट में। मैं इनका परफॉर्मेंस भी दिखाऊँ तो 6 मैच खेले हैं, 6 मैच में मैक्सिमम मैच में जो इन्होंने पॉइंट दिया है देखो बैटिंग से जरूर दिए हैं बट बॉलिंग से दोस्तों आप देखोगे अच्छा बॉलिंग किए, विकेट थोड़ा नहीं मिला है पर ठीक ठाक दोस्तों बॉलिंग करके दे रहे थे। अब इसमें भी देखोगे 6 पॉइंट दे के गए थे जिसमें इकोनॉमिक अच्छा रहा था। आई हुसैन का देखते हैं इनका दोस्तों बैटिंग पोजीशन क्या रहता है, अभी तो मैं टीम में लेके चलूँगा, लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है ना जिन पे आप ग्रैंड लीग में रोटेशन में यूज़ कर सकते हो। ओके रोटेशन मतलब दोस्तों इनके जगह और मैं प्लेयर बताऊँगा उनको आप ट्राई कर सकते हो। एस सिंह भी दोस्तों सेम वैसा ही ऑप्शन है जिनको आप रोटेशन में ट्राई कर सकते हो।
सिलेक्शन हाई है, स्मॉल लीग में ले जाना चाहते हो ले जाओ, आपको एक से दो ओवर बॉलिंग करके देंगे, बैटिंग से कोई उम्मीद नहीं रखिएगा क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने बैटिंग से शायद कोई मैच में उतना खास किया ही नहीं है, या राइट कोई भी मैच में दोस्तों इन्होंने बैटिंग से ना सिंपल बोलूँ तो 30 रन से ऊपर नहीं किया है, 25 रन भी दोस्तों शायद इन्होंने नहीं किया है, एक से या 25 रन भी दोस्तों इन्होंने बैटिंग से नहीं स्कोर किया है, जो भी परफॉर्मेंस किया बॉलिंग से किए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है सामने यार इस मैच में अच्छी टीम है, बीएनएम की टीम के पास भी अच्छे बैट्समैन है, तो हो सकता है कि टीआरए के ना एक कम से कम तीन बॉलर परफॉर्म करेंगे लेकिन दो बॉलर फ्लॉप जरूर जाएंगे, उसमें दोस्तों एस सिंह का भी नाम आता है, तो इसलिए इनको रोटेशन में आप यूज़ करना फिक्स मत करना, स्मॉल लीग में ले जाओ, ग्रैंड लीग में इनके जगह और भी प्लेयर पर आप रिक्स ले सकते हो। एस सिंह मेरी टीम में रहेंगे, भाई ने दो मैच खेला है, दो मैच में 4 विकेट लिए हैं और अच्छे बॉलर है दोस्तों, स्पिन बॉलिंग कराते हैं और अच्छा दोस्तों करके भी जाएंगे और साथ ही साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, ऐसे अभी तक टूर्नामेंट में उतना खास बैटिंग से चांस नहीं मिला है, दो ही मैच खेल पाए, फर्स्ट मैच तो मिला नहीं, सेकेंड मैच में भी काफ़ी नीचे बैटिंग किए थे, लेकिन एज अ बॉलर दोनों मैच में दो 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 विकेट लिए, मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में भी एक विकेट आप इनसे उम्मीद कर सकते हो। नीचे दोस्तों एम अगोई, इनसे कोई उम्मीद नहीं है मुझे दोस्तों, हारमैन ग्रैंड लीग चॉइस है, मुझे स्मॉल लीग में इनको भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बॉलिंग दोस्तों ऐसा नहीं कि सभी मैच में इन्होंने की है, तो इनको लेना नहीं है, नीचे से और कोई प्लेयर को मत लेना ना दोस्तों, ठीक ना, फालतू में उतना आपको मेहनत नहीं करना है, कंफ्यूज मैं नहीं करूंगा। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों एसिक बैटिंग सेक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये दोनों को आप रोटेशन में यूज़ कर सकते हो। जब आप दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में आइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझिए, फर्स्ट नाम है टी लोडी, ये आपके लिए दोस्तों स्मॉल लीग हो ग्रैंड लीग हो दोनों में आपके लिए मस्ट पिक है, ठीक ना, इनको आपको रोटेशन में यूज़ नहीं करना है, इनको आपको सभी टीम में फिक्स कर लेना है, चाहे आप एक टीम बना रहे हो या 10 टीम बना रहे हो, सभी में ये प्लेयर होने चाहिए। रीज़न भी दोस्तों बताऊँ तो देखो, फर्स्ट रीज़न तो हो गया ओपन बैटिंग करते हैं, सेकेंड रीज़न दोस्तों दो ओवर का बॉलिंग भी करके देंगे, थर्ड रीज़न दोस्तों टूर्नामेंट में बैटिंग से धासु एकदम परफॉर्मेंस रहा है बैटिंग से, ठीक ना, और साथ ही साथ टूर्नामेंट में बॉलिंग से भी गर्दा परफॉर्मेंस रहा है, तो अब दोस्तों इनको ड्रॉप क्यों करना, सब चीज़ इनका दोस्तों बेस्ट है, तो कैप्टन बीसी भी ट्राई कर सकते हो। जी संजीवा, बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस किए, बॉलिंग से मिला जुला रहा है, किसी मैच में बहुत अच्छा तो किसी मैच में एवरेज रहा है, लेकिन बैटिंग से कंसिस्टेंट स्कोर किए, और मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को जहाँ तक याद है जब लास्ट टाइम से हम इसी टीम के अगेंस्ट खेले थे, भाई ने जो तहलका मचाया था ना, आप देखो जब लास्ट टाइम इसी टीम के अगेंस्ट खेले थे इन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया था, 173 फैंटेसी पॉइंट दिए थे दोस्तों, 173, और सेम इसी टीम के अगेंस्ट, तो डैट्स वाई दोस्तों लेना तो 100% है, और कैप्टन बीसी भी ट्राई कर सकते हो। ए अब्दुल, मेन काम इनका दोस्तों बॉलिंग रहेगा, बॉलिंग अच्छा करते हैं, बैटिंग से मैं उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ इनसे, बैटिंग से कभी भी इन्होंने परफॉर्मेंस भी नहीं करके दिया है, बट अच्छे बॉलर है, आप एज अ बॉलर इनको बैक कर सकते हो। नीचे भी शर्मा 100% टीम में लेके जाना दोस्तों, ओपन बैटिंग करेंगे, दो ओवर का बॉलिंग करेंगे, और दोस्तों कल के ही दिन बता रहा हूँ ना, कल के दिन हम लोगों ने कौन सा T10 कवर किया था दोस्तों, बताता हूँ एक सेकंड रुको, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ T10 का दोस्तों मैच नंबर 3 जो हम लोगों ने कल कवर किया था, बी शर्मा अपना दोस्तों फर्स्ट मैच खेल रहे थे कल के दिन, बहुत लोगों ने टीम में नहीं लिया था, और जानते हो मैंने क्या किया था, वाइस कैप्टन किया था, और इनका परफॉर्मेंस एकदम बोले तो आउटस्टैंडिंग आया, इन्होंने 183 फैंटेसी पॉइंट दिए थे इस मैच में, बताता हूँ वाइस कैप्टन मेरे ये थे और कैप्टन मैंने टी लोडी को किया था, और इनका भी परफॉर्मेंस देखो, मतलब कि 178 पॉइंट कैप्टन ने दिया था, 163 पॉइंट वाइस कैप्टन, और बहुत अच्छा वो वाला मैच भी हम लोग का गया था, और उम्मीद करते हैं आज भी शर्मा अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएंगे। आर लीवर देखो दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेयर है ना जो आपको मैक्सिमम कितनों ये मेहनत करे, कितनों दम लगाए, मैक्सिमम ये बैटिंग से 20 रन करेगा, पर सामने अच्छी टीम है तो हो सकता है 20 भी ना करे, बॉलिंग करने आएगा तो हो सकता है इस मैच में पिटा जाएगा, क्योंकि अच्छे प्लेयर नहीं है, अब गलती सलती से दोस्तों इनको विकेट मिल जाता है सामने जब कमज़ोर टीम रहती है, जब अच्छी टीम रहती है ना तो इनको दोस्तों विकेट नहीं मिलता है। आप देखो जब लास्ट मैच इन्होंने UCCB के अगेंस्ट के लिए परफॉर्मेंस कैसा रहा, एकदम घटिया, उससे पहले थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस हो गया था क्योंकि सामने एकदम कमज़ोर टीम थी तो इनको बॉलिंग करने को मिल गया था, सेम यही देखो सेम इसी टीम के अगेंस्ट बैटिंग से कुछ पॉइंट देके चले गए थे, लेकिन जब सामने अच्छी टीम आती है ना तो देख लो क्या हाल होता है। तो ये जो ऐसा प्लेयर है ना देखो, लोग इनको लेके आएंगे लेकिन लॉजिक यदि आप बैठाने जाओगे तो आपको नहीं लेना चाहिए, आपका लक खराब होगा तभी ये परफॉर्मेंस करेंगे,
नहीं तो लक अच्छा होगा, और यदि लॉजिक के साथ जाए तो ये फ्लॉप जाने चाहिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम इसी टीम के अगेंस्ट खेले थे माइनस में पॉइंट दिए थे, न ही अच्छे बैट्समैन है न ही दोस्तों अच्छे बॉलर है। आप सेफ जाना चाहते हो ले लेना, रिस्क ले सकते हो तो दोस्तों ड्रॉप कर सकते हो। बैटिंग पोजीशन इनका दोस्तों फर्स्ट राउंड रहेगा दोनों ओपनर के बाद, बॉलिंग का दोस्तों कोई कंफर्म नहीं रहता है। जेठसा मैं नहीं ट्राई करूंगा, नीचे से आई वारिस मैं ज़रूर रखना चाहूंगा। अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है दोस्तों, सच बताओ ना तो आर लीवर से तो 10 गुना अच्छे प्लेयर है ये। लोग इनको नहीं ले रहे, इनको ले रहे हैं भाई, लेकिन मैं तो इनको लेने वाला हूँ, ठीक ना। नीचे से और कोई प्लेयर को आपको अभी के लिए तो नहीं ट्राई करना है, कोई न्यू प्लेयर खेलेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहाँ पे 20 रेस्टा का ऑप्शन मिलेगा। देखो यार, ये जो प्लेयर है ना पावर प्ले में बॉलिंग करता है, ओवर नंबर 1 और ओवर नंबर 3, इनके सामने जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रहेंगे ना बहुत अच्छे बैट्समैन है, टी लोधी और बी शर्मा रहेंगे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये प्लेयर इस मैच में विकेट लेस जा सकता है। खिलाड़ी नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो दोस्तों फालतू का, तो टीम में ज़रूर आप पिक कर सकते हो। खिलाड़ी अच्छा है बट सामने बैट्समैन अच्छे, तो हो सकता है विकेट लेस जाए। आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे, जब लास्ट टाइम इसी टीम के अगेंस्ट खेले थे तो इन्होंने दोस्तों शायद ये वाला मैच ये नहीं खेले थे क्या, नहीं इन्होंने खेला था, एक विकेट दोस्तों लेके गए थे सामने वाली टीम के अगेंस्ट। लेकिन उस मैच में ना टीआरए के जो ओपनर थे वो अलग थे, इसलिए दोस्तों इनको एक विकेट मिल गया था। इस मैच में भी शर्मा है तो थोड़ा सा ना आप इन पे रिस्क लेना, सिलेक्शन हाई है उसे मतलब नहीं है, रिस्क लेने के लिए एक ऑप्शन आपके पास ज़रूर है। आई डुई ये जो प्लेयर है दोस्तों पार्ट टाइम बॉलिंग करता है, टीम का कैप्टन है, जब मन करता है बॉलिंग करने आ जाते हैं दोस्तों। परफॉर्मेंस एकदम गंदा रहा है, कमज़ोर टीम के अगेंस्ट 100% विकेट मिलता है, जब सामने स्ट्रॉन्ग टीम आती है ना तो भाई साहब को विकेट नहीं मिलता है, माइनस में पॉइंट देते हैं। मैं परफॉर्मेंस इनका दिखाता हूँ, जब लास्ट टाइम इसी टीम के अगेंस्ट खेले थे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग से दोस्तों मेरे को ध्यान है 4 विकेट निकाल के गए थे। लेकिन जानते हो दोस्तों ये जो 4 विकेट लिए थे ना फ्री में विकेट मिला था, मैंने मैच वो देखा भी था, ये ऐसे मेरे टीम में थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस मैच में मुझे चांस कम लग रहा है कि 4 विकेट लेके जाएंगे। अब यहाँ पे ना मैं छोटा सा आपको लॉजिक बताता हूँ आपको क्या रखना है, जिससे आप टेंशन फ्री हो जाओ, रिस्क भी नहीं है। देखो बीएन की टीम दोस्तों यदि बॉलिंग फर्स्ट करती है आप कंसीडर कर सकते हो, कहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट में। लेकिन यदि दोस्तों बीएन की टीम सेकेंड बॉलिंग करे ना तो हाई चांस है कि मैं इनको टीम में नहीं लूँगा, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में टीम के कैप्टन है, जब मन करेगा बॉलिंग करने आ जाएंगे। देखेंगे दोस्तों सामने वाली टीम का 5 विकेट गिर गया है तो डेथ में दोस्तों बॉलिंग करने आ जाएंगे, है स्पिन बॉलर, बैट्समैन मारने जाएगा दोस्तों कैच आउट होके इनको फ्री में विकेट मिलेगा। तो बॉलिंग फर्स्ट में काम कर सकते हैं, बॉलिंग सेकेंड में मुझे नहीं लग रहा है। तो इनको लेना हो तो बॉलिंग फर्स्ट में भी त्रेष्टा की जगह भी आप इनको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों इधर से आप एस सिंह को भी साइड करके आप इनको ट्राई कर सकते हो। ए हुसैन में लेना चाहूँगा, अच्छे बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, कम मैच खेले हैं लेकिन जब भी खेले हैं दोस्तों विकेट जरूर लिए हैं। लास्ट मैच कमाल का परफॉर्मेंस, उससे पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके गए थे, ये वाले मैच में उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, बट ओवरऑल देखोगे ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। तो ए हुसैन को मैं अभी टिप करके चल रहा हूँ। एम बंसल दोस्तों पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, रेगुलर दोस्तों बॉलिंग नहीं करते हैं, 2 ओवर का, 1 ओवर का मुझे लग रहा है इस मैच में बॉलिंग कर सकते हैं। अब देखो बंसल को लेना होगा तो किसके जगह ले सकते हैं, एक तो ए हुसैन के जगह ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों सेम वही आप कर सकते हो इधर से एसिंग और आई हुसैन के किसी भी जगह आप इन पर रिस्क ले सकते हो। इस मैच में ऑप्शन आपके पास इनफ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उस ऑप्शन में से कैसे आपको प्लेयर को चूज़ करना है, वही दोस्तों आपका मैच डिसाइड करने वाला है। अनिक ग्रेनलिक ऑप्शन रहेंगे, सामने अच्छी टीमें हो सकता है विकेट ले से आए, इसलिए मैं अभी के लिए इनको फर्स्ट च्वाइस नहीं दिया हूँ। लेकिन हाँ आपको 1 ओवर का बॉलिंग है दोस्तों आपको ज़रूर करते हुए दिख जाएंगे। शुवासी खेल नहीं रहे, ए डेविड मुझे नहीं लगता है इस मैच में बॉलिंग करेगा। बात करें कैप्टन मिसी किसको करना है इस मैच में, बहुत सिंपल है। देखो दोस्तों मैं ज़्यादा आपको रिस्क लेने को नहीं बोलूँगा, टी लोधी जी सेमदीना सबसे बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन और दोस्तों वाइस कैप्टन के लिए। थर्ड बेस्ट ऑप्शन यदि आप मुझसे पूछो तो मैं दोस्तों भी शर्मा को आँख बंद करके ट्राई करना चाहूँगा। मेरे अकॉर्डिंग यही तीन प्लेयर को आपको कैप्टन भी सी ट्राई करना चाहिए। ग्रेनलिक में एक स्पेशल ऑप्शन आप दोस्तों खोज रहे हो तो आई वारिस पे आप फोकस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ग्रेनलिक में, ठीक ना। स्मॉल लीग में सेम टीम को आप लोग सेव कर लीजिए, कोई चेंज करना भी होगा इस टीम में तो मैं खुद आपको टेलीग्राम पे अपडेट ज़रूर कर दूंगा। यदि आपने दोस्तों टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो भाई लोग ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा।
साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक ना दोस्तों। जाइए और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, तो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है सबसे ऊपर में। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का ना इजिली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों एंड बाय।